नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? ये आपकी फ्री ऑनलाइन क्लासेस है। हमारे चैनल का नाम जो है फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाई गुड़िया केसरी के नाम से ये चैनल बना हुआ है। तो गाइस, जितने भी बच्चे हैं क्लास फोर्थ में हैं या क्लास फोर से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ मैथ की क्लास आप सब जब भी सभी लोग जरूर जरूर से देखें, और यह सभी के लिए बेनिफिट रहेगा। जो भी बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, सबसे पहले अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है मैथ की, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर करो, ठीक है? तो ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, आपको डेली मिलेगी। अभी तो ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, बट कुछ दिन बाद से आपको ये लाइव मिलेगा। लाइव में क्या कर सकते हो आप, जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको बता रही हूँ और आपको समझ में नहीं आता, तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि इस क्लास को कहाँ से कहाँ तक के बच्चे पढ़ सकते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ, क्लास क्लास थर्ड से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, क्लास थर्ड के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, वो सब के सब बच्चे मैथ की क्लास को देख सकते हैं। अगर उनकी मैथ वीक है तो इस क्लास को पढ़ के वो समझ सकते हैं, जिसमें मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। अगर आप अपना होमवर्क करना, और मैं यहाँ पे चेक भी करूँगी, मैं आपको दूसरे दिन बताऊँगी कि जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या होगा, ठीक है? और आप लोग कहीं ट्यूशन भी पढ़ते हो तो ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे सारी क्लासेस मिलेगी। कंप्यूटर की क्लास आपको डेली मिल रही है, ये आपकी मैथ की क्लास है, और एक दो दिन में आपकी इंग्लिश की क्लास भी मिलने लगेगी। यानी गुड़िया केसरी के द्वारा, यानी आपकी मैम गुड़िया केसरी के द्वारा आपको तीन तीन क्लास मिलने वाली है, जो बिल्कुल फ्री है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन में अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अगर ये तीन चीज़ भी आपका कवर होता है, तो जान लेना आपने पढ़ाई में बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है? ये क्लासेस आप लोग के लिए फ्री इसलिए बनाया गया है क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चों का नाम कटवा के घर पे बैठा दिए हैं और पढ़ाई नहीं हो पा रही। तो मैं चाहती हूँ वो बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे ज़रूर ज़रूर से इस क्लास को देख के पढ़ें, और जो भी मैं होमवर्क दूँगी उसे करें। और नेक्स्ट टाइम जब, जैसे मैं कल की क्लास लूँगी, तो आज का दिया हुआ होमवर्क कल को मैं ज़रूर चेक करूँ और मैं आपका आंसर भी बताऊंगी, और मैच करके आपका काम रहेगा उसे मैच करना, और क्या सही है क्या गलत है आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट? तो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है नोइंग अबाउट नंबर, ठीक है? आपका जो पहला चैप्टर रहेगा उसका नाम है, सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट, किस क्लास के ऊपर के, तो क्लास थर्ड से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? चाहे वो क्लास थर्ड में है, चाहे वो क्लास फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन में, यानी जिन बच्चों का मैथ वीक है वो इस क्लास को जरूर जरूर से देखें, ओके? सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो, क्लास को लाइक कर दो, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके? चलो, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नोइंग अबाउट नंबर, ठीक है? ये आपका चैप्टर का नाम है, और इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है नंबर नेम, ठीक है? सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर नेम, ठीक है? इसमें दो चीज़ आपको पढ़ना है, क्या क्या? नंबर नेम पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको रखना है पुट द कॉमा, यानी कॉमा भी साथ में रखना है, यानी पुट द कॉमा पुट द कॉमा एंड नंबर नेम, ठीक है? दो चीज़ आपको करना है, क्या क्या? पुट द कॉमा और नंबर नेम। कोई भी नंबर लिखा रहेगा, अब आप उसे किस तरीके से कॉमा लगाओगे और कैसे उसका नंबर नेम लिखोगे, राइट? आ जाओ, मैं इसका पहला क्वेश्चन देती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है 3, 4, 8, ठीक है? ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कॉमा लगाना है, और ये कितना नंबर लिखा हुआ है इसे नंबर, इसका नेम बताना है, यानी इसे वर्ड में लिखना है, इनका नाम बताना है, ठीक है? तो हमारे ये जो नंबर लिखा है वो हम पढ़े इंडियन, राइट? तो इसे हम कहते हैं वन, क्या कहते हैं? वन। सेकेंड वाले को कहते हैं 10, और थर्ड वाले को कहते हैं 100, ठीक है?
ठीक, तो इसका जो कॉमा होता है 1, 10, 100, ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं, एक बात याद रखना, ठीक है। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है, तो आप कहोगे 3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर 3 क्या है, तो 3 आपका 100 है, ठीक है। तो इसे जब हम वर्ड में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे, तो ये आपका हिंदी में से कहेंगे 348, लेकिन हिंदी का ज़माना बहुत पहले से चला गया है ना, ये हिंदी का ज़माना चला गया है, अब आपका सब कुछ इंग्लिश मीडियम हो गया है, चाहे बात की जाए यूपी बोर्ड की, चाहे बात की जाए सीबीएसई बोर्ड की, राइट। हर जगह अब नंबर नेम जो भी हम लिखते हैं इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो भी इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, हिंदी में इसे 348 कहते हैं, और इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ये क्या है, 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो 100 वाले में कितना लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे 100 वाले में 3 लिखा हुआ है, राइट, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, तो यहां लिखेंगे 300, क्या लिखेंगे, 300, यानी ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब 48 लिखा हुआ है, 48 को क्या पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे 48, है ना, 48 को क्या पढ़ते हैं, 48, तो यहां लिखेंगे 300 48। देखो बच्चों, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, और इसे अभी आगे चल के मैं इसे हार्ड कर दूंगी। हार्ड का मतलब अभी ये आपका 100 चल रहा है, अभी आगे चल के पढ़ाते पढ़ाते मैं इसे आपको करोड़ अरब तक ले जाऊंगी, ठीक है, पर एक सीक्वेंस के अनुसार, सीक्वेंस मतलब बिल्कुल सिंपल से पढ़ते हुए चलेंगे, कहाँ हार्ड की तरफ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा क्या लिखा है, 348 लिखा हुआ है। अगर यही चीज़ लिखा होगा 204, तो कैसे पढ़ोगे, कैसे इसे पढ़ा जाएगा, तो पहले ये होता है पहला वाला, इसे बोलते हैं 1, इसे बोलते हैं 10, और इसे बोलते हैं 100, ठीक है, तीसरे वाले को क्या कहते हैं, 100, ये कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 200, 200, क्लियर। आगे 10 वाले में क्या है, 0, और आपको पता है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, उसके पहले आप चाहे जितना भी 0 लगा दो, ठीक है, 1, 2, 3, 5, 10, किसी भी अंक के सामने आप जितना भी 0 लगा दो उसका कोई मान्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये 10 वाले में 0 लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या लिखा है, 4, तो इसे केवल 4 कहेंगे, याद रखना बच्चों, चाहे कोई भी नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 2 है, 9 है, 3 है, कुछ भी नंबर हो, अगर इसके पहले 0 लगा हुआ है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, हाँ इसके बाद लगा हुआ है तो ये बहुत बड़ा मतलब बात है, ठीक है, लेकिन पहले लगा हुआ है, देखो 4 के पहले क्या लगा हुआ है, 0, तो इसका मतलब ये केवल 4 है ना, तो यहाँ ये क्या है, 204, तो यहाँ लिखेंगे 204, क्लियर हो गया। अच्छा ये तो क्लियर हुआ 100, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, राइट, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम बढ़ेंगे 1000 की तरफ। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अब लेंगे हम 1000 वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या हो, नंबर कैसे हो, 1000 वाले हो, जैसे मैंने लिखा 3, 2, 4, 6, सबसे पहले इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है, पुट द कॉमा, पुट माने रखो, कॉमा माने कॉमा, सबसे पहले क्या रखना है, इस क्वेश्चन में कॉमा रखना है, और इसके बाद निकालना है इस नंबर का नेम, ठीक है। तो हम मैं इंडियन में चलता है 1, 10, 100, ये तीनों हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है, ये एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे होते हैं ना घर में मम्मी पापा और एक बच्चा जो होता है ना, एक फैमिली होती है जिसमें मम्मी होती है, पापा होते हैं, और उनका एक बेटा होता है, ठीक है, तो उसी तरह ये तीनों एक साथ रहते हैं, कौन कौन, आपका 1, 10 और 100, ये तीनों की ग्रुपिंग हमेशा एक साथ रहती है, ठीक है, तो 3 नंबर के बाद आप कॉमा लगाओगे, याद रखना 1, 10, 100 और ये रहा 1000, इसे कहेंगे 1000, ठीक है। अब इसका क्या लिखना है, कॉमा लगाने आ गया होगा, शुरू के 3 अक्षर के बाद, 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, 1, 10, 100 के बाद कॉमा लग गया है, अब इसका क्या लिखना है, तो अब हमें लिखना है इसका नंबर नेम, ठीक है, अब इसका नाम लिखना है, तो आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करोगे, तो ये 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, कितना 1000 है, तो आप बोलोगे 3, है ना, 1000 में कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3000, 3000,
यानी ये थ्री वाला कहानी जो है ख़त्म हो गया। अब क्या बचा है, तो 2, 4, 6 इसे क्या पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। 1, 10, 100 कितना 100 है ये, 2, तो यहाँ लिखेंगे 200, 200, क्लियर है। अब क्या लिखा है, 4, 6, 4, 6 को क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 46, तो यहाँ लिखेंगे 46, आया समझ में। ये आपका नंबर नेम हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यानी 10,000 की तरफ हम चलते हैं। भाई आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें आता है ये मैथ तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस क्लास को ज़रूर ज़रूर से दिखवाना, क्योंकि इस चीज़ में बच्चे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ओके आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे 4 दिया हुआ है, फिर दिया है 0, 5, 5, अब इसे क्या करना है, कॉमा लगाना है और इसका नंबर नेम लिखना है। और पहले इसे पढ़ते हैं, ये क्या है 1, ये क्या है 10, ये क्या है 100 और ये क्या है 1000, ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या रखना है, पुट द कॉमा, कॉमा रखना है। तो मैंने आपको बता रखा है 1, 10, 100 ये तीन की ग्रुपिंग एक साथ होती है, तो तीनों एक साथ रहेंगे, तीन नंबर के बाद यानी 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगेगा, ठीक है। अब पढ़ो 1, 10, 100, 1000 कितना 1000 है, 4, ये 4 लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 4000, 4000, ठीक। अब यहाँ 4000 ही क्यों लिखा, 3000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1000 वाले ग्रुप में 4 लिखा है, इसलिए हमने यहाँ पे 4000 लिखा। अगर यहाँ पे 4 नहीं 5 होता तो यहाँ 4000 न लिख के हम यहाँ पे 5000 लिखते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4000 होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1, 10, 100 100 वाले में 0 लिखा है, यानी 100 वाले में कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ लिखा ही नहीं है तो 100 नहीं लिखेंगे, इतना याद रखना। 100 वाले ग्रुप में 0 है यानी कुछ भी नहीं है, तो 100 वाले ग्रुप को छोड़ दो, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, 5, 5, इस 5, 5 को क्या पढ़ते हैं हम, इस 5, 5 को हम पढ़ते हैं 55, तो यहाँ लिखेंगे 55, यानी कितना लिखा है ये, 4055, क्लियर है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और भी हार्ड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और हार्ड क्वेश्चन, हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1, 10, 100 और 1000, 1000 के बाद आता है 10,000, है ना। तो अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 3, 2, 8, 4, 5, अब इसका बोला है, अब क्वेश्चन बोला है आपको कि एक काम करो, इसमें सबसे पहले क्या करना है, पुट द कॉमा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले इसमें कॉमा लगाओ, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, इसका नंबर नेम लिखना है, राइट। तो सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया है 1, 10, 100 यानी तीन की ग्रुपिंग एक साथ रहेगी, फिर यहाँ लगाएंगे कॉमा, कॉमा के बाद ये आपका 1000, 10,000, याद रहे शुरू के 3 डिजिट एक साथ होते हैं और इसके बाद जितने भी डिजिट रहेंगे दो दो के बनेंगे ग्रुप, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये 1000 और ये हो गया 10,000, क्लियर है। तो दो नंबर, तीन नंबर के बाद आपका एक कॉमा लग गया। अब ये देखो 3, 2 है तो इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, इसे अकेले लेके नहीं चलना है, ठीक है। 3, 2 को क्या पढ़ते हैं, अगर कहीं आपके सामने रुपीज लिखा हो, 3, 2 तो इसे आप क्या पढ़ोगे, आप इसे पढ़ोगे 32, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 32, ओके। पर ये 32 है क्या, तो आप देखो 32 दोनों में क्या लिखा है, 1000, यानी ये 1000 वाला ग्रुप है, ये 1 है, 10 है, 100, 1000, 10,000, ये जो आपका ग्रुप चल रहा है कौन सा है, 1000 वाला, तो यहाँ लिखेंगे 32,000, क्लियर है, ओके। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब लिखा है 8, 4, 5, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं 1, 10, 100 कितना 100 है, ये 800 है, तो यहाँ लिखेंगे 800,
फिर कितना लिखा है, 4 5, 4 5 को क्या पढ़ते हैं, 45, तो यहाँ लिखेंगे 45, यानी कि 32,485। क्लियर है, आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं लाख की तरफ। ओके आ जाओ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अब थोड़ा इसे देख लो, ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके है, राइट। आओ पढ़ते हैं इसे, कॉमा लगाना है, सॉरी एक मिनट, 3008 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमा लगाना है, तो 1 10 100, तीन नंबर के बाद आपका कॉमा लगेगा, यानी 3 डिजिट के बाद, ठीक है। अभी कितना है, 30, तो 30 को क्या पढ़ते हैं, हाँ पता है, 30 को पढ़ते हैं 30, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 30। अब 30 ये क्या है, तो ये है आपका 1, ये है 10, ये है 100, ये है 1000 और ये है 10,000, ठीक है। यानी ये दोनों ग्रुप 10 का है, तो क्या लिखा, 30, और कौन से ग्रुप में है, 1000 वाले में, तो लिखेंगे 30,000। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है 008, मैंने बताया था आपको, कोई भी नंबर हो उसके आगे चाहे जितना भी जीरो लगा लो, उसका कोई मान्य नहीं होता है। तो ये कितना लिखा हुआ है, 9। उसी प्रकार ये क्या लिखा है, केवल 8 लिखा हुआ है, इसे 800 बच्चों मत पढ़ना। क्यों, क्योंकि 100 वाले में भी जीरो है और 10 वाले में भी जीरो है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है। तो क्या बचा है, केवल 8, तो यहाँ ये हो जाएगा 30,000 8। आया समझ में, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्यों बच्चों, क्लियर है आपको, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा 10,000 तक के क्वेश्चन, अब आगे बढ़ेंगे, लाख की तरफ चलते हैं। ओके आ जाओ, अब क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने लिखा, ये नंबर दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पुट द कॉमा, सबसे पहले क्या लिखना है, कॉमा। तो कॉमा जो मैंने बताया था, शुरू के पहले, शुरू में 3 डिजिट के बाद लगेगा, यानी आपका 1, 10 और 100 तीनों एक साथ रहेगा, फिर यहाँ कॉमा रहेगा। ओके, फिर ये आपका हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा आपका 10,000। ये ग्रुपिंग दोनों साथ की चलेगी, ठीक है। 1000 और 10,000 दोनों भाई भाई हैं, इसलिए दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो कॉमा रहेगा वो लाख पे रहेगा, ठीक है। 1, 10, 100 एक ग्रुप में रहेंगे, 1000, 10,000 एक ग्रुप में रहेगा और लाख आपका अकेला रहेगा, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं इधर से, ये क्या लिखा है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख कह लो, चाहे लाख कह लो, ठीक है, 3 लाख, ये कंप्लीट हुआ। फिर क्या लिखा है, 5 6, 5 6 को क्या पढ़ते हैं, तो 5 6 को पढ़ते हैं 56, तो यहाँ लिखेंगे 56। 56 क्या है आपका, तो ये 1000 वाले ग्रुप में है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी ये 1000 के ग्रुप में है, तो यहाँ हो जाएगा 56,000। क्लियर है, इसके बाद क्या है, 1, 10, 100 कितना 100 है, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9 100। ओके, फिर क्या लिखा है, 64, 64 को क्या पढ़ते हैं, 64 को पढ़ते हैं 64, तो यहाँ लिखेंगे 64। क्लियर है, आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन है, देखिए, ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करना है,
तो सबसे पहले पुट द कॉमा, सबसे पहले लिखना है कॉमा, ठीक है, कॉमा लगाना है और फिर इसके बाद हमें इस नंबर को पढ़ना है। अगर आपके घर में सपोज इट इतने सारे पैसे आ गए तो आप इसे काउंट कैसे करोगे, है ना। आ जाओ, तो सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, 1, 10, 100 एक साथ रहेगा, यहाँ पे कॉमा, 1000, 10,000 एक साथ रहेगा, फिर यहाँ पे कॉमा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1, 10, 100 फिर यहाँ पे है 1000, फिर यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे हो गया लाख, यानी लाख, ठीक है। कितना लाख है ये, तो ये 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 लाख, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 0, 5 इसे क्या पढ़ेंगे, 5 या 50। अगर 5 के पहले 0 है तो इसे 5 पढ़ेंगे, ठीक है, और 5 के बाद 0 है तो इसे 50 पढ़ेंगे। बच्चों ये कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर कि 0, 5 को 50 पढ़ दो, 5, 0 को 5 पढ़ दो, ठीक है। अगर किसी नंबर के पहले 0 आया है तो उसका कोई मान्य नहीं है, लेकिन कोई नंबर के बाद 0 है तो बहुत बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, 5 के पहले 0 है तो इसे 5 पढ़ेंगे और 5 के बाद 0 है इसलिए इसे 50 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 लिख के 5, यानी 10,000 वाले में कुछ है ही नहीं, क्या है केवल 1000 वाले में कितना है, 5, तो इसे हम लिखेंगे 5000, 5000, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 3903 थ्री को क्या पढ़ेंगे, तो 1, 10, 100 इसे पढ़ेंगे 300। 90 को क्या पढ़ेंगे, तो 90 को पढ़ेंगे 90। ये हो गया, यानी कि 7,05,390, क्लियर है, 7,05,390, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना। ये आपका नंबर नेम भी है, साथ में पुट द कॉमा। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो रहा लाख तक के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लाख के बाद आएगा 10 लाख, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया, सबसे पहले क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, राइट। 1, 10, 100 एक ग्रुप में, इसलिए यहाँ पे कॉमा, 1000, 10,000 एक साथ रहेगा, यहाँ पे कॉमा, लाख, 10 लाख एक साथ रहेगा, ठीक है। याद रहे इंडियन नंबर में, क्योंकि हमारा इंडियन नंबर चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1, 10, 100 एक साथ, 1000, 10,000 एक साथ, लाख और 10 लाख एक साथ रहेगा, ठीक है। मैं ऊपर लिख भी दे रही हूँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख और 10 लाख, ठीक है। 10 लाख मतलब क्या होता है, 10 में कितने डिजिट होते हैं, तो 10 में आपके 2 डिजिट होते हैं, 10 में कितने डिजिट होते हैं, 2 होते हैं, तो इसीलिए ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। ये कितना लिखा है, 35, है ना। 10,000 का मतलब होता है 2 डिजिट, 10,000, ठीक है। अब यहाँ देखो, 10 का मतलब 2 होता है, तो उसी प्रकार इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, याद रहे शुरू का 3 डिजिट बाद एक कॉमा, फिर हमेशा 2-2 डिजिट पे आपका कॉमा चलता रहेगा। ये 35 क्या हो गया, 35, 35 किस ग्रुप में, लाख वाले में, तो यहाँ लिखेंगे 35 लाख, क्लियर हो गया। आ जाओ, 1, 10, 100, 1000, 10,000 कितना, 1000, 52, तो यहाँ लिखेंगे 52, क्या कौन से ग्रुप में है, 1000 वाले ग्रुप में, तो यहाँ हो जाएगा 1000, फिर क्या है, 1, 10, 100 कितना 100 है, 9, तो यहाँ लिखेंगे 900, कितना 08 है तो 80 नहीं होगा, 8 होगा, क्लियर हुआ। इतनी चीज समझ में आ गई, चलो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आज मैं केवल इतना ही पढ़ा रही हूँ, अब आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ और आपको करना है। इसका आंसर जो मैं आज होमवर्क दे रही हूँ, इसका आंसर मैं कल की क्लास में बताऊँगी। आपका काम है इस क्वेश्चन को करना, और कल की क्लास में जब मैं आंसर दूंगी तो आप मैच कर लेना कितना क्वेश्चन सही है और कितना क्वेश्चन गलत, ठीक है? तो आपका ये रहा होमवर्क। होमवर्क है पहला आपका, क्या करना है? कॉमा लगाना है और इसका नंबर नेम लिखना है। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन हैं और इसका आंसर मैं कल बताऊंगी। वैसे आप लोग कोशिश करना, किसके लिए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? आंसर अपने कॉपी में ही लिखना है और कल इसका मैं आंसर मिला आपको बता दूंगी। तो आपका काम रहेगा इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेना। सही रहा तो इसका मतलब आपको आ गया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगी। और कल हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन करना, राइट? और भी चीज़ें हैं तो धीरे धीरे करके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, क्लास को लाइक कर देना, अपने जानने पहचानने वाले सभी को इस क्लास के बारे में बता देना, और सभी लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूर ज़रूर से। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।